करम से जो फैसला आया है वो हक का फैसला है, वो सच का फैसला है और वो NA-75 डस्का की आवाम की तर्जुमान का तर्जुमान फैसला है। और आज जो फैसला NA-75 की रीपोलिंग का आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है इलेक्शन कमीशन के फैसले को, मैं उस पर पूरी कौम को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को और NA-75 की शेरनी मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सिपाही बहादुर नौशीन इफ्तिखार को भी मुबारक दूंगी और डस्का के अवाम को मुबारक हो कि जिस तरह उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट डाला बल्कि अपने वोट का पहरा दिया, अपने वोट की हिफाजत की और अपने वोट को इज्जत दिलाई। और जिस तरह डस्का की आवाम ने इलेक्शन में, इलेक्शन की रात को, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद अपने वोट का पहरा दिया है, इससे एक बात साबित हो गई कि पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है, पाकिस्तान की आवाम अपना जमहूरी हक जानती है, पाकिस्तान की आवाम अब नवाज शरीफ के नज़रिए वोट की इज्जत, वोट की हिफाजत करना जान चुकी है। और हर वो अंसर जिसने वोट को पामाल करने की कोशिश की, वोट को चोरी करने की जुर्रत की, इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा किया, उनकी तमाम साजिश नाकाम हो गई, उनका तमाम हरबा नाकाम हो गया डस्का की आवाम के सामने। और यही वो नज़रिया है जिसकी बात नवाज शरीफ करते हैं, जिसकी बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती है कि जिस दिन पाकिस्तान की आवाम ने अपने वोट की इज्जत जान ली, पहचान ली और जिस दिन पाकिस्तान की आवाम ने अपनी वोट की हिफाजत करनी शुरू कर दी, तो RTS नहीं बैठेगा, तो वोट के डब्बे चोरी नहीं, किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान के आवाम के वोट को हाथ लगाकर दिखाए। और आज वो लोग जो अवामी मैदान से भगोड़े हैं, वो लोग जो अवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, वोट चोर हैं, वो लोग जिनकी सरबराही और सहूलतकारी इमरान साहब करते हैं, उनकी अब पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। और आइंदा ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसने इलेक्शन कमीशन के फैसले को, जो एक तारीखी फैसला था, इलेक्शन कमीशन ने जब कहा कि NA-75 का रीपोल होना चाहिए, तो वो उन तमाम सबूतों को, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कहा जो NA-75 में गुंडागर्दी हुई, NA-75 में इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा किया गया, NA-75 की आवाम के वोट को चोरी कोशिश की गई, ये तारीखी फैसला था इलेक्शन कमीशन का जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। और ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो अवाम के मैंडेट को चोरी करते हैं, जो अवाम के वोट को चोरी करते हैं। और ये चोरी करना सिर्फ उस वोट को नहीं होता बल्कि ये चोरी करना होता है जब पाकिस्तान की आवाम के वोट पर डाका डाला जाएगा, तो पाकिस्तान के आवाम की आटा चोरी होगा, चीनी चोरी होगी, गैस चोरी होगी, बिजली चोरी होगी, कश्मीर का सौदा होगा, IMF के हवाले स्टेट बैंक को और मुल्क की माशी सालमियत को कर दिया जाएगा, आवाम की मईशत तबाह होगी, बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी और मुल्क को IMF में गिरवी रख दिया जाएगा। तो ये आवाम जान चुकी है। और वो लोग जो कल इसी जगह पर कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून पर जुम्मा भारी होता है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून की फिक्र छोड़ें,
मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजलो करम से अब अपने वोट की हिफाजत करना जानती है। ये 2018 नहीं है, ये 2021 है। और मैं उन लोगों को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ जो कल यहाँ बोल रहे थे कि जुम्मा भारी होता है, ये उनके लिए पैगाम है कि अब आइंदा आने वाला हर दिन, चाहे वो जुम्मा हो, सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, हफ्ता हो, इतवार हो, अब हर आने वाला दिन इन नालायकों के लिए, इन चोरों के लिए, इन वोट चोरों के लिए, इन आइन चोरों के लिए, इन कश्मीर के सौदागरों के लिए, आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरों के लिए हर आने वाला दिन भारी है। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो तारीखी फैसला दिया है, अब बात यहाँ तक नहीं रुकेगी। जब पंजाब हुकूमत ने, जिसके ऊपर मबनी ये फैसला आया है कि इलेक्शन कमीशन के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया गया है, जैसे हमने कल कहा था कि अब ये बात 20, 50, 90, 140 या 360 पोलिंग स्टेशंस की नहीं है, अब ये बात है कि रियासत और बिलखसूस पंजाब हुकूमत, जिसने इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी किया, अगवा किया और उनको रात के अंधेरों में वोटों के डब्बों के समेत उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर लेकर गए और वहां उनको रख कर इलेक्शन कमीशन और अवाम के वोटों पर किया गया और उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को रिटर्निंग ऑफिसर्स के कमरे में लाकर वो झूठे नकली टेम्पर्ड फॉर्म 45 को जमा कराया गया, जिनकी हिफाजत डस्का की अवाम ने की, उनको मंजरे आम पर लाया जाए। और जो इलेक्शन है NA-75 का, वो तमाम लोग जिनको इमरान खान के हुक्म पर वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब ने तानियात किया था इस इलेक्शन को चोरी करने के लिए, इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी करने के लिए, वो सब अपना बोरिया बिस्तरा बांधें। जिस तरह ये वोट चोर अपना रोज बोरिया बिस्तरा बांधते हैं, ये सब अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और NA-75 को खाली करें। और आज वजीर आला पंजाब का इस्तीफा आना चाहिए, आज इमरान खान का इस्तीफा आना चाहिए, आज IG पंजाब का, CCPO का और RPO सियालकोट का, 75 का इलेक्शन चोरी करने पे इनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। अवाम ये जवाब जानना चाहती है कि इलेक्शन कमीशन के अमले को जिन चेहरों ने अगवा किया, अवाम के वोटों को टेंपर किया, अवाम के वोटों को चोरी करने की जुर्रत की, उन सब की शक्लों को, चेहरों को अवाम के सामने होना चाहिए। और मैं आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे ये भी कहना चाहती हूँ कि ये खाली NA-75 डस्का का इलेक्शन का फैसला नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया है, ये पाकिस्तान में आइंदा आने वाले हर इलेक्शन, पाकिस्तान में आइंदा आने वाले हर इलेक्शन के लिए फैसला है। ये वो डेटरेंस है कि आइंदा जो पाकिस्तान की अवाम का वोट चोरी करने की जुर्रत करेगा, जो वोटों के डब्बे को हाथ लगाएगा, जो इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने की जुर्रत करेगा, उनका हाल पाकिस्तान की अवाम वही जो आइंदा आने वाला वक्त याद रखेगा। आइंदा अगर आपने ऐसी जुर्रत की तो जिस तरह डस्का के अवाम के हाथ थे और आपका गरेबान था, इस तरह पाकिस्तान की अवाम के हाथ होंगे और आपका गरेबान होगा। ये आज आइंदा आने वाले हर इलेक्शन की शफाफियत को इंश्योर करता है फैसला, ये आइंदा आने वाले हर पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट की हिफाजत करता है ये फैसला, ये आइंदा आने वाले हर उस शख्स की, जिसका हाथ वोटों के डब्बों की तरफ बढ़ेगा, जिसका हाथ पाकिस्तान के अवाम के वोटों की तरफ बढ़ेगा, हर वो नजर, हर वो हाथ के लिए फैसला है कि आइंदा ऐसी जुर्रत मत करना। पाकिस्तान की अवाम अपना हक जान चुकी है, क्योंकि आज जो सजा भुगत रहे हैं, आज पाकिस्तान जो सजा भुगत रहा है, आज पाकिस्तान की अवाम
जो सजा भुगत रही है वो इसी वोट चोरी से आता है। 2018 में अगर वोट चोरी ना होता, 2018 में अगर आरटीएस ना बैठता, 2018 में अगर मुंतखब वजीर आजम के साथ वो खेल ना खेला जाता जो 2015-16 में खेला गया, जो 2014 में धरने की शक्ल में खेला गया, ना होता, चीनी चोरी ना होती, बिजली गैस दवाई चोरी ना होती, कश्मीर का सौदा ना होता और आईएमएफ के हवाले स्टेट बैंक और माशी सालमियत को ना किया जाता। ये है वो असल वजह जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम की जेबों पर डाका डाला जाता है और माफियास की सहूलतकारी की जाती है इमरान खान की तरफ से, और वो कोई भी ऐसा वजीर आजम होगा तो अवाम उसको अब मुस्तरद करेगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोबारा से तरक्की की शरह को 6% से ज्यादा करेगी। वोट को इसी तरह अगर इज्जत मिलती रही तो ये वोट की इज्जत आपकी आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरी का बदला लेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और टीम पीएमएलएन जो है दोबारा पाकिस्तान की आवाम को वो खुशियां लौटाएगी, वो रोशन पाकिस्तान लौटाएगी, वो तरक्की याफ्ता पाकिस्तान लौटाएगी, आवाम को उनकी नौकरी लौटाएगी, आवाम को उनकी रोजगार लौटाएगी, आवाम को उनका आटा चीनी बिजली गैस दवाई लौटाएगी और दोबारा मोदी के शिकंजों से कश्मीर के सौदे को वापस लेगी और इन लोगों को जिन्होंने आवाम को आज इस नहज तक पहुंचाया है, आज मुस्लिम लीग नून ये आपसे वादा करती है कि जो डस्का की आवाम ने किया इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम करेगी बहुत जल्द। और इस तरह इन आटा बिजली गैस चीनी दवाई चोर वोट चोर कश्मीर का सौदा करने वालों को वापस घर पहुंचाएगी और वोट देकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दोबारा इक्तदार में लाएंगे और इक्तदार भी वो होगा जो वोट की इज्जत का होगा, जो अवाम के मैंडेट का होगा, जो इख्तियार के साथ होगा कि जिसमें वजीर आजम कठपुतली ना हो, वजीर आजम सिलेक्टेड ना हो, वजीर आजम उन तमाम लोगों के ताबे ना हो जिन्होंने आरटीएस को बिठाया 2018 के इलेक्शन में। लेकिन ये नवीद है, ये खुशखबरी है, ये खुशखबरी है इस बहादुर शेरनी नवाज शरीफ के लिए, ये खुशखबरी है डस्का के अवाम के लिए, ये खुशखबरी है पाकिस्तान की अवाम के लिए कि अब वोट के डब्बे चोरी नहीं हो सकते, अब इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी नहीं हो सकता, अब पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट चोरी नहीं हो सकता, अब पाकिस्तान के अवाम का वोट चोरी नहीं हो सकता। मैं आज नौशीन को, जैसे मैंने पहले कहा, इस बहादुरी के साथ इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद मैं इस बहादुर खातून को और सुप्रीम कोर्ट की तमाम केसेस और इलेक्शन कमीशन की तमाम हेयरिंग्स के दौरान मैं इसके जज्बे को, इसकी बहादुरी को, जिस तरह इन्होंने वो दो लोग जिनकी जाने गई इसी इलेक्शन की हिफाजत करते हुए वो जाने गई थी, आज उसका बदला ले लिया, और उस तरह जिस तरह NA-75 के लोगों के वोट कमीशन के अमले को कर करने की कोशिश की थी, नौशीन ने आप लोगों का बदला ले लिया है। इंशाल्लाह NA-75 डस्का से वो लोग तो भाग गए जिसको, जो अवामी मैदान से डरते हैं, जो सिर्फ आरटीएस बिठाना जानते हैं, जो सिर्फ वोट चोरी करना जानते हैं, वो जो सिर्फ जाने लेना जानते हैं, जो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना नहीं चाहते। ये इलेक्शन अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने जीता था, हमने जीता है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और ये अब डस्का की आवाम जो फैसला कर चुकी, जिसके ऊपर डाका डाला जा रहा था, कोशिश की जा रही थी, इंशाल्लाह उनकी फतह हुई है और इलेक्शन जो होगा, जब भी इलेक्शन कमीशन उसका स्केड्यूल जारी करेंगे, मुस्लिम लीग नून की फतह यकीनी है अल्लाह ताला के फजलो करम से। और अल्लाह ताला के फजलो करम से जो मैदान से भागना चाहते थे, जो पिटिशन के पीछे छुपना चाहते थे क्योंकि उनको मालूम था कि उन्होंने इलेक्शन चोरी किया, अवाम ने उनको वोट नहीं दिए, वो लोग आज मुझे यकीन है कि उनको अपनी इस इज्जत का ख्याल होगा, अब जमानतें भी जब्त होंगी इंशाल्लाह इन वोट चोरों की। और अगर अपनी इज्जत का ख्याल हुआ तो जुम्मे का दिन याद रखना, और ये भी याद रखने पहले कहा कि अब आइंदा आने वाला हर दिन आपके ऊपर भारी है क्योंकि अवाम आपकी असलियत जान चुकी है। मैं तो ये बताइए। अच्छा।
एक सवाल ये है, जाहिर है आज एक डिसीशन आया लैंडमार्क डिसीशन है, अब रिटेल जजमेंट में मजीद देखा जाएगा कि इसके फ्यूचर गाइडलाइंस क्या देखी जाती है। पीडीएम के हवाले से सवाल है कि सुना है कि मौलाना फजल रहमान अब किसी भी क्यादत का फोन नहीं सुन रहा है, किसी से कॉन्टेक्ट में नहीं है, पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है? देखें, पीडीएम के जो असली अराज़ो मकासद हैं, जो पीडीएम के प्रिंसिपल्स थे, वो वोट की इज्जत और जो अवाम का मैंडेट है उसकी इज्जत और जमहूरियत और आईन और कानून की पासदारी है और पार्लियामान की पासदारी है, और वो बिल्कुल पीडीएम की जो जमातें हैं वो उस पर कायम हैं, और उसके ऊपर जल्द मौलाना फजलुर रहमान जो सदर पीडीएम हैं वो उसके ऊपर फैसला भी देंगे और सरबराही इजलास भी बुलाया जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह जो भी फैसला होता है उसके मुताबिक पीडीएम अपना अगला लाए अमल बताएगी। मैडम, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहादी इस्लाहात करना चाहते हैं तो नून लीग क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, क्या वजह है? देखें, जो लोग आरटीएस बैठाकर वोट चोरी की पैदावार हैं, जो लोग सिर्फ अवाम का मैंडेट चोरी करना जानते हैं, जो लोग सिर्फ इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करना जानते हैं, उनके साथ इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर टेबल पे बैठना मुज़हका खेज है, वो बेइज्जती है। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की तज़हीक है कि ऐसे लोगों के साथ बैठा जाए जो आज तक वोट चोरी कर रहे हैं, इलेक्शन चोरी कर रहे हैं और आज तक अवाम का मैंडेट चोरी कर रहे हैं। हमने वोट चोरी होते सुना था, हमने डब्बे चोरी होते सुना था, हमने वोटों को आरटीएस को बैठना सुना था, लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा होते नहीं सुना था। इसलिए लोगों के साथ इंतखाबी इस्लाहात जो रोज लेक्चर देते हैं ना, इंतखाबी इस्लाहात का, वो डस्का में क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा कर लेते हैं। और मेरी इस्तदा होगी इलेक्शन कमीशन से और के इन जो लोगों ने ये घनौनी हरकत की है, गैर कानूनी जुर्म किया है, जिन्होंने अगवा किया इलेक्शन कमीशन के अमले को, उन सब के चेहरे बेनकाब हों, उनको नौकरियों से बरतरफ किया जाए, उनको इबरत का निशान बनाया जाए, इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि आइंदा जो अफसर तानियात हो, जिस अफसर की ड्यूटी लगे, वो इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी करने पे ना लगाया जाए, वो वोट की हिफाजत और वोट की इज्जत करने पे लगाया जाए। और वो तमाम अफसरान, आज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का फैसला उन तमाम अफसरान को भी ये पैगाम देता है कि इन वोट चोरों के बातों में मत आना। इन वोट चोर जो वजीर आला है पंजाब का, पंजाब हुकूमत है और इमरान खान है, इनकी बातों में ना आना, क्योंकि अवाम आपको नहीं छोड़ेगी अगर आपने आप दोबारा उनके वोटों की तरफ देखने की कोशिश की। ये पैगाम है उन अफसरान को जो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पर लगते हैं कि वोट की हिफाजत करो, अवाम के मैंडेट की हिफाजत करो, आइन की हिफाजत करो, जो आपका हल्फ है। इन वोट चोरों, आटा, गैस, दवाई चोर, आरटीएस की पैदावार जो है, ये जल्दी छुट्टी होने वाली है अल्लाह ताला के फजलो करम से। अवाम झोलियाँ उठा उठा के दुआएं करती है नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, और झोलियाँ उठा उठा के बदवाएं देती है इन आटा चीनी बिजली गैस दवाई वोट चोरों को। अच्छा, मैं डस्का को एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी, यानी 75 मुबारकबाद आपको दे दी, लेकिन आप मेरी ताकत हैं, अपने हौसले जो है उनको बुलंद कर लें, जोश जज्बा जो है उसको डबल कर लें और दोबारा पीटीआई से मुकाबले के लिए ग्राउंड में उतरने, तो मेरी ताकत आप हैं। आपका हौसला देखकर उस दिन मुझे आज तक लड़ने की ताकत मिली है, तो दुआ भी करें और अपने साथ जो आप देते आए हैं हमेशा PMLN को, मेरे वालिद साहब को, और उसके लिए जो अब मैं मैदान में हूँ आपके राइट के लिए लड़ रही हूँ, तो मिलकर इनका मुकाबला करना है। इन चोरों को घर भेजने का एक दोबारा मौका मिला है, इसको खोना नहीं। लेट्स फाइट अगेन डस्का, शुक्रिया भाई। एक बात मैं आपकी तस्दीक कर दूं, हम नहीं आए थे सुप्रीम कोर्ट, ये जो अवाम से भागे थे, जो मैदान से भागे थे, जो वोट चोर थे, जो इलेक्शन कमीशन का अमला जिन्होंने चोरी किया था, वो इस पिटीशन के पीछे आए थे। और दूसरी बात ये है कि जो आपने दूसरी बात की मॉडल टाउन की, उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, रिपोर्ट कोर्ट में पेश भी हो चुकी है। ये जो खाली ढिंडोरा पीटते हैं, प्रोपोगैंडिस्ट हैं, ये जो खाली जिनको सिर्फ साजिशें करनी आती हैं, तमाशे ड्रामे करने आते हैं, ये उनकी दी हुई एक झूठों की दास्तान है जो मिट्टी में दफन हो चुकी है।
और उसके बाद जो आपने साहिवाल की बात की, ये साहिवाल की बात आज वो घनौना धब्बा है इन हुक्मरानों के मुंह के ऊपर, जो दूसरों की दफ़ा कंटेनर पर चढ़ जाते थे, हुंडी के जरिए पैसे बना मंगाने का दर्श देते थे, बिजली के बिल जलाते थे, ये उनके मुंह। और जिस तरह इन्होंने मॉडल टाउन को अपनी सियासत की नज़र करने की कोशिश की झूठ बोल बोल कर, ये साहिवाल का इंसिडेंट उनके मुंह पर धब्बा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इंशाल्लाह वक्त करीब है इन तमाम चीज़ों का बदला लेने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजलो करम से अवाम के मैंडेट से वापस आ रही है। अवाम अब हम कहते हैं घबराना नहीं।